नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 26 जनवरी के मौके पर नया नगर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एक नुक्कड़ नाटक के जरिए यहां पर युवाओं में एक संदेशा दिया गया कि नशे से दूर रहें और आने वाली जो पीढ़ियाँ है उन पीढ़ियों को इस नशे से किस तरह से बचाया जाए, इस तरह का ये एक बहुत खूबसूरत सा एक ड्रामा यहाँ पर पेश किया गया कुछ युवकों ने। आइए हम जानते हैं इस नशा मुक्ति प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है अधिकारियों का, इन ड्रामा करने वाले इन लोगों का। हमारा मकसद यही था कि हम जो भी ड्रगिस्ट है मीरा रोड में, नया नगर पुलिस में जो भी ड्रगिस्ट है उनको हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि आप ड्रग्स ना लें, क्योंकि इससे ना ही आपकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है लेकिन आपसे जुड़ी जो भी लोग हैं, जैसे आपके परिवार है, आपके दोस्त है, आपका करियर है, वो भी बर्बाद हो सकता है और बर्बाद हो चुका है। तो ये हम लोग ने एक छोटा सा 10 मिनट का नाटक किया था जिससे हम उनको अवेयरनेस दे सकें कि ये नशा है, इससे दूर रहिए, इसे मत लीजिए। ये पहला आप स्टेप लेंगे कि हाँ ट्राई करता हूँ या ट्राई करती हूँ, लेकिन ये ट्राई के बाद ये जो आदत बन जाती है, आदत बन गई है बहुत लोगों में, उनको एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं। और आई होप कि ये छोटा सा हम लोग ने जो नाटक किया था उससे अगर उनके मन में प्रभावित हो तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी बात है। और भी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है इन नशाखोरी के खिलाफ में। कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी नया नगर पुलिस ने एक काउंसिल सेंटर ओपन किया है जिससे जो भी नशा मुक्ति लोग हैं वो वहाँ पे आ सके और उनको काउंसलिंग मिल सके, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे लोग जो नशा कर भी रहे हैं उन्हें शायद छुटकारा भी मिल सकता है। तो ये छोटा छोटा स्टेप बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लीड्स टू सक्सेस, तो ये छोटा छोटा स्टेप करके ही हम अपना मंजिल पा सकते हैं। एक बहुत अच्छी पहल है पुलिस की तरफ से भी, और जो यहाँ यूथ को बुलाया गया, ये यूथ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है नशे में, तो यूथ को बुलाकर और यूथ को समझाने के लिए ये जो ड्रामा कराया गया और इससे यूथ ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को। इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज के अंदर, और जब यूथ खुद अपने इश्यूज़ को देखेगा, अपने इश्यूज़ को परखने की कोशिश करेगा, दूसरों को समझाने की कोशिश करेगा, तो लोगों को आसानी से समझ में आता है। एक बड़ा बुजुर्ग समझाने बैठता है तो लोग जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन जब यूथ समझाएगा और उसको बताएगा कि देखो इससे क्या बुराई होने वाली है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के। लगता है आपको कि इस तरह के ये प्रोग्राम बार बार करते रहना चाहिए ताकि अवेयरनेस जो है वो जारी रहे? मैं समझता हूँ कि बार बार क्या, बहुत ही फ्रीक्वेंट ये प्रोग्राम होना चाहिए और गली गली कूचे कूचे में होना चाहिए। आज तो ये बड़ी जगह पे हुआ है, यहाँ हो सकता है उस किस्म का यूथ बहुत कम आया हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हम लोग ले जाएं गली गली कूचे कूचे के अंदर, जहाँ ऐसी एक्टिविटी होती है वहाँ बहुत ज़रूरी है इसको। आज गणतंत्र दिवस के पार्श्वभूमि पर एक जो पॉजिटिव संदेश हम निर्माण करना चाहते थे, एक जो शुरुआत करना चाहते थे, वह आज हमने नया नगर से शुरुआत कर दी है। और हम एक हमारे लिए खुद के लिए एक टारगेट रखा है हमने कि महाराष्ट्र दिन 1 मई तक हम यह जो हमको नया नगर में समस्या है, कहीं कॉर्नर में या फिर कहीं ऐसे कुछ जगह पर लोग नशा पानी करते हैं, तो हमने यह टारगेट रखा है कि 1 मई तक हम यह पूरा बंद कर देंगे। और साथ ही साथ जो नशा का, ड्रग्स का जहर युवा पीढ़ी में घुल रहा है, वह भी अवेयरनेस के माध्यम से, उनका काउंसलिंग के माध्यम से हम दूर करेंगे, ताकि हमारा नया नगर, हमारा क्षेत्र व्यसन मुक्त हो जाए। इसी में हमको नागरिकों की बहुत मदद चाहिए, जैसा कि उन्होंने उनके खुद के घर में भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ अगर उनके सोसाइटी में, उनके मोहल्ले में, या फिर वह कहीं मार्केट जा रहे हैं और उनको कुछ ऐसा गलत होते हुए दिखता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कृपा करके नया नगर पुलिस स्टेशन में, या फिर बरवे साहब का नंबर है, मेरा नंबर है, सभी के पास है, उस पर एक कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ कि उनका नाम पूर्ण तरह से गोपनीय रखा जाएगा, उजागर नहीं किया जाएगा, ताकि आपको भी डर ना लगे, आपको भी सुरक्षित महसूस हो और जो असामाजिक तत्व है उसके ऊपर 100% कार्रवाई हो जाए। जैसे ACP सर ने बताया कि इसके पीछे हमारा मीरा भाईंदर सर जो है वो नशा मुक्ति करना है, और हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे 2-2.5 महीने से नया नगर में चल रहा है, ये आगे तक लेके जाना है। जिस तरह से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, तो लोगों को कोऑपरेशन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोगों से उम्मीद है कि अपने अपने घर पे ज़्यादा ख्याल करें। हमारे यंग जनरेशन जो है, 13, 14, 15 साल के जो बच्चे लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं,
कब आते हैं, उनका घर में जो रहना है, बिहेव उनका कैसा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ गलत लगे तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए हमारे पास में भेजना चाहिए या मेरे पास में पर्सनल आके बोलना चाहिए, ताकि हम लोग उसको संवरने की कोशिश करेंगे, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। यही माध्यम है कि हम लोग ये नुक्कड़ शो करके जो कॉलेज के जो लड़के लोग हैं, एन जी ओ लोग हैं, ये काफ़ी दिनों से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह पे हम लोग ले रहे हैं, और नया नगर शहर या मीरा भाईंदर शहर नशा मुक्ति करना है, यही एक उद्देश्य है। सर, आमतौर पर देखा गया है कि लोग सामने नहीं आते हैं डर के मारे कि उनके साथ में कहीं कुछ गलत ना हो, ये जो नशीली किस्म के जो लोग होते हैं उन पर हमला ना कर दे या बदला ना ले। ऐसे समय में क्या आप संदेशा देना चाहेंगे, किस तरह से उन लोगों का प्रोटेक्शन किया जाएगा जो आपको सूचना दे या आपको जानकारी दे या इस नशे के खिलाफ में आपको मालूम दे? नहीं, अगर किसी को मालूम है, जानकारी अगर मालूम है तो मुझे पर्सनल फ़ोन करके बोल सकते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि उसका नाम बता दें हम लोग, तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया है, सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन के ग्रुप से, मोहल्ला कमेटी के ग्रुप से, उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं, या पर्सनल मेरा मोबाइल सबके पास में है, या एसीपी साहब का भी है, तो आप लोग डाल सकते हैं, आपको 100% कोऑपरेट हो जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने, इस तरह के प्रोग्राम साथ में ही सोसाइटियों में और अलग अलग जगहों पर जहाँ कहीं पर भी नशा होता है उसे रोकने के लिए या उस नशाखोरी के खिलाफ में नया नगर पुलिस ने 1 मई तक का एक मुहिम का आगाज किया है। आज 26 जनवरी से इस 1 मई तक का उन्होंने दावा किया है कि मीरा भाईंदर और ख़ास तौर से नया नगर परिसर को नशा मुक्त परिसर बनाया जाएगा। अब देखना है कि इस नशाखोरी में जनता कितना पुलिस का साथ देती है और मीरा भाईंदर और ख़ास तौर से नया नगर को नशाखोरी से मुक्त करने में, नशाखोरी से आज़ाद दिलाने में स्थानीय लोग कितना प्रतिसाद देते, कितना कोऑपरेट करते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हम इस खबर के माध्यम से सभी शहरवासियों से आह्वान करते हैं कि अपने अपने इलाके में जहां कहीं पर भी आपको नशाखोरी करते हुए युवा दिखते हैं तो आप स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना दें, स्थानीय पुलिस को बताएं कि यहाँ पर किस तरह से ये नशाखोरी हो रही है। यदि आपको लगता है पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, किसी के सामने या कहीं पर भी आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। एक पहल हम शहरवासियों को भी करना होगी मीरा भाईंदर शहर को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए। हमारी भी जिम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वक्त पुलिस के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहे और शहर को नशा मुक्त बनाने में आगे आए। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।